स्वयकत किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पाटणा शहर के भगत सिंह चौक में किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली सगरूर कौमी मुख्य मार्ग पर धरना लगाकर जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई और लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि धान की फसल की सरकारी खरीद और मंडियों से लिफ्टिंग न होने पर किसान और आढ़ती परेशान हैं। जब तक सरकार ने खरीद और लिफ्टिंग के प्रबंध नहीं किए तो संघर्ष जारी रहेगा। जाम लगने से जाम में फंसे ट्रक चालक ने दुख जताया कि वह परेशान है। किसानों को उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। पाता से सतपाल। देखो जी, अज का जरा धरना एक ही मुद्दे ते है, जीरी की जी बोली है वो शुरू हो गई और लिफ्टिंग है वो चले और पराली का जरा है समस्या वो है जो सा केस हो रहे हैं रैड एंट्रिया पै रही ने ये मुद्दों लेके सा एक DAP की जी मनसूई इतने घाट पैदा की जा रही है वो सारे मुद्दों लेके सा जरा धर्म है। ये परसों ही साडा जरा संयुक्त मोर्चे की लुधियाने मीटिंग हुई है वो निर्णय लिया गया और उस तो पहला असी चंडीगढ़ के CM साहब नाल भी 19 तरीक न मीटिंग की जिसे विश्वास दवाया से उन्होंने कि आने वाले दो दिन के मसला हल हो जाऊ, पर असी उन्होंने 4 दिन दते से भी 2 दिन नहीं 4 दिन लो मसला हल करो। 4 दिन बीतने तो बाद भी जी गल किसी तड़पत्तर नहीं लगी, इसलिए सानू एमरजेंसी मीटिंग परसों SKM की करनी पी जिद अज का निर्णय। इस तो बाद जे फिर भी हालात नॉर्मल नहीं होंगे, किसान की इस तरह लुट जारी रही है, तो 29 तरीक न असी DC दफ्तर का सारे पंजाब के घराव करा। गुरविंदर सिंह ददना जी, जिला प्रेस सकत्र किरती किसान यूनियन तो, अज संयुक्त किसान मोर्चे के सदे तहत पूरे सूबे जिन्नी मंडिया ने मंडिया के जो मुख्य मार्ग है उन्होंने पर मुकम्मल चक्का जाम है 4 घंटे का, 11 बजे तो लैके 3 बजे तक का सदा है। कारण यह है कि जो पिछले समय तो लैके जो 1 अक्टूबर तो सरकारी बोली स्टार्ट होनी सी, तो जोड़ा चिन मंडिया के झोना रुल रहा है, जो लिफ्टिंग का बड़ा मामला है, जो लिफ्टिंग मतलब के मार्च में स्टार्ट होनी चाहिए आ, अक्टूबर हो गया हूँ तक लिफ्टिंग मतलब के उस तरह स्टार्ट नहीं हुई है। इस अक्टूबर के सिर्फ 15 लाख मैट्रिक टन जोड़ा है वो चौल इतों मतलब के लिफ्टिंग होना, जबकि पूरे सूबे 130 लाख टन जोड़ा चौल पिया है। तो मुख्यमंत्री साहब जी मीटिंग हुई है संयुक्त मोर्चे की, जो 2 दिन अपना चंडीगढ़ धरना चलिया है, उस उन्होंने कहा सू 2 दिन दो, 2 दिन के सारी जी मुश्किल है उन्होंने हल असी कर देवे। संयुक्त मोर्चे ने 4 दिन दिए थे भी 4 दिन असी मतलब कि तुम्हें समा दें 4 दिन हल करवा दो, पर 4 दिन छोड़ो असी 6 दिन जोड़े है इतने 25 तरीक न यह जरा अज काल लागू कर लगे है। तो अपील करते हैं सरकार को कि जल्द जोड़ा सरकार ये गौर करसान जो समस्या हल कर, कल ये समस्या नहीं है लिफ्टिंग की, तो जो DAP बड़ी समस्या हैगी DAP मतलब कि सूबे नहीं है, जिनी खपत होंगी मात्र अद्धी खपत भी जी है हाल तक पहुँची नहीं हैगी। इन्हों मामलों का जिस करते हुए अज का मैटर जोड़ा जी 11 बजे तो लैके 3 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चे के सदे से असी पाटणा भगत सिंह चौंक के जाम लाया हुआ और संयुक्त मोर्चे के नाल जिहड़ियां भी जथेबंदियां ने उस जाम के शामिल ने। मंडियां दे विच झोने की लुट नूं लैके जिहड़ी खरीद नहीं हो रही, बासमती की घट रेट के उत्ते लुट हो रही है, सरकारी बोली नहीं हो रही, नंबर 2 ते बाजार दे विच DAP नहीं मिल रही, पराली के नाम से झूठे परचे किए जा रहे हैं साडे किसानां दे उत्ते। इन्हां मंगां नूं लैके फौरी जिहड़ा संयुक्त मोर्चे का सद्दा है असीं उह लागू कर रहे हैं। अज प्रोग्राम है जी, एक तो खास करके जीरी वास्ते है, तो एक जिहड़ा अपना डाया उहदे वास्ते है, तो एक पराली दा है। ये 3 मुद्दे नूं लैके जिहड़ा असीं धरना लाया है। डाया देखो मिल ही नहीं है, ब्लैक जिन्ना मर्जी लै लो। जिहड़ा पराली का मसला है, किन्ने भी महकमे ने सारे खेतों के फिरते हैं,
चलान करते हैं लाल एंट्रियां करते हैं। जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उन्होंने कोई मानता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है भी जो 2000 किले वाले किसान ने उसकी फ्री पराली चुको, जिहड़ा 10 किले वाला किसान है उन्होंने संद दो। पर उधर तो यह जाते नहीं है, चाहे तहसीलदार है, चाहे पुलिस महकमा है, चाहे खेतीबाड़ा महकमा है, सारे साडे चलान कट्टण ते लगे हुए हैं। सानू डाय की बड़ी समस्या आ रही है, जीज की समस्या आ रही है, पराली की सब तो बड़ी समस्या आ रही है। ये वास्ते असं इतने धरना लाया है। अज का जोड़ा प्रोग्राम संयुक्त मोर्चे वालों प्रोग्राम आया जी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई ही जी झोने की लिफ्टिंग बारे। उस मीटिंग सरकार ने 2-3 दिन का समा मंगया, संयुक्त मोर्चे ने 4 दिन का समा दिता सी। वो 4 दिन बीतन तो बाद भी वो गल उत्थे दी उत्थे ही है। संयुक्त मोर्चे वालों अज कॉल आई थी भी 3-4 घंटे का जोड़ा बंद है, 11 बजे तो लैके 3 बजे तक सारे रोड जाम करने ने। ते इस करके अज उन्हां दा सद्दा प्रवान करते हुए असीं 11 बजे तो लैके 3 बजे तक रोड जाम करांगे। महाराष्ट्र से आया हूँ, तारापुर से यहाँ जा रहा हूँ लुधियाना। सर मालूम नहीं था ये पंजाब में घुसते जगह जगह रास्ता बंद है, अब यहाँ भी मालूम नहीं था भाई रास्ता बंद करेगा, ये रास्ता बंद कर दिया यहाँ पे। परेशानी हो रही है, 3 घंटे से खड़े हैं, क्या करें। ये तो पहले मालूम था, मालूम क्या मालूम था, उधर भी बंद कर रखा, उधर गाँव में क्या आती है गाड़ियाँ, इधर ये मेन 4 लाइन बंद कर दिया। अब नुकसान क्या आपका? नुकसान ये टाइम बर्बाद हो रहा, और क्या ये नुकसान हो रहा। क्या होना चाहिए सरकार से, मांग करते हैं क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए, ये हमारे से क्या मतलब है, गाड़ियाँ बंद करने से क्या मतलब है, इनका सरकार से करना चाहिए कुछ, हमारे को परेशान कर रखे हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो हम क्या कहना चाहते हैं भाई, ये रोड खुलवाओ, और तो क्या कहना चाहते हैं। मांग भी माननी चाहिए, जो भी हो जो ये करना चाहिए, हमको क्या मालूम इनकी क्या मांग है। आपका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, हमारा रास्ता नहीं रोकना चाहिए, हमारा रास्ता खुला मिलना चाहिए।